हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज हम लोग वाटर साइकिल, एक पोएम के रूप में ये चैप्टर दिया गया है, इसको हम लोग पूरा करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। स्टार्टिंग जो होता है इसमें, ये आपको सिंक का मतलब आपको जान लेना है। एक सिंक का मतलब होता है जो हमारे किचन का सिंक होता है, वॉश बेसिन जो होता है उसको सिंक बोलते हैं। और एक सिंक का मतलब होता है डूब जाना, पानी में जब डूब जाता है कुछ, है ना, तब उसको हम लोग बोलते हैं सिंक हो जाना। ठीक है, टू सिंक मीन्स टू गो बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर बॉडी एंड रीच इट्स बॉटम। और एक सिंक का मतलब होता है ये वॉश बेसिन जो किचन में हमारे लगे हुए होते हैं, जो हम लोग देखते हैं जानते हैं, क्योंकि ये सिंक जो वर्ड है इसका यूज़ हुआ है इस पोएम में, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो वाटर साइकिल क्या होता है इसके बारे में मैं संक्षेप में पहले बता देता हूँ आपको। वाटर साइकिल का मतलब होता है वाटर कैसे हमारे पास आता है और फिर से कैसे वो जाता है, एक साइकिल की तरह वो चलता है। तो कैसे होता है ये देखो, हमारे यहाँ वाटर बॉडीज होते हैं। सबसे पहले ये समझ लो, ये वाटर बॉडी है ना, जहाँ पे पानी होते हैं। वाटर बॉडीज किसको बोलते हैं, समुद्र हो गया, रिवर हो गया, है ना, जिसमें ब्रुक्स बोलते हैं, ब्रुक्स, जितने भी वाटर बॉडी है जहाँ पे पानी होता है, तालाब, नहर, है ना, लेक, ब्रुक, जिसको जो सारे वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं, समुद्र, तो वहाँ पे पानी होता है। और पानी जो है वो वेपोराइज होकर के ऊपर उड़ जाता है, वेपर बन जाता है, भाप बन करके ऊपर उड़ता है और उड़ करके वो आसमान में चला जाता है, और आसमान में जा करके बादलों में वो कन्वर्ट हो जाता है फिर से पानी में, और वो पानी क्लाउड में, बादल में कन्वर्टेड होकर के रहता है, और फिर वो बादल जो है वो बरसता है, और बरसता है तो फिर से पानी वो नीचे गिरता है और फिर से वो तालाब में, समुद्र में फिर से वो जाता है। तो इसी तरह से ऐसा सर्कल जो है वो बन जाता है और इसको हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है ये। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। पोएम में कैसे करके दिया हुआ है देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलते हैं, सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, थिंक एंड आंसर, वैल्यूएट आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आइए स्टार्ट करते हैं। When I was young, I used to think and water came from the kitchen sink. When I was young, I used to think. जब मैं छोटा था, जब मैं young था, तब मैं सोचता था कि water, that water came from the kitchen sink. Water जो है वो kitchen के sink से आता है। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि kitchen में जो हमारा रसोई घर में, kitchen में जो हमारा sink है, जहाँ पानी है, जहाँ मम्मी बर्तन धोती है ना, वहाँ से पानी आता है, मुझे ऐसा बचपन में लगता था। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा पोएट कह रहा है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। बट नाउ आई एम ओल्डर एंड आई नो दैट वाटर कम्स फ्रॉम रेन एंड स्नो। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मुझे पता चल गया है कि वाटर जो है वो बारिश से आता है और बर्फ से आता है ना, रेनफॉल और स्नोफॉल, बारिश और बर्फ दोनों से पानी आता है। अब मुझे ये पता चल गया है, और किचन से पानी नहीं आता है। इट स्टेज देयर वेटिंग इन द स्काई इन क्लाउड्स अबव आवर वर्ल्ड सो हाई। और ये जो बारिश का पानी है वो क्लाउड में जमा होकर के, आसमान में जो क्लाउड है, स्काई में जो क्लाउड है, बादल है, उसमें पानी जमा होकर के वेटिंग में रहता है, वो वेट करता है बरसने के लिए। ठीक है, जो हमारे ऊपर है, बहुत ही ऊपर, बादल हमारे हमसे बहुत ऊपर है आसमान में, और वहाँ पे पानी जो है वो इकट्ठा होकर के वेट करता है गिरने के लिए। एंड व्हेन इट फॉल्स, और जब वो गिरता है, इट फ्लोज अलोंग एंड स्प्लैशेस आउट अ वाटरी सॉन्ग। और जैसे ही वो नीचे गिरता है, धरती पे गिरता है, तो वो धरती के अलोंग फ्लो करने लगता है। बारिश गिरते हुए जब हम लोग देखते हैं तो पानी कैसे एक दो बूंद करके मिल करके, हजारों लाखों बूंद मिल करके पानी का बहाव बन जाता है, पानी बहने लगता है, स्प्लैशेज आउट अ वाटरी सॉन्ग। और जब बारिश गिरता है तो रिम झिम सा आवाज आता है, पानी जब गिरता है तो छप छप सा आवाज आता है, स्प्लैशेज आउट, स्प्लैशेज का मतलब ही होता है पानी का छपा छप, झमाझम बारिश होना और उसमें एक सॉन्ग बन जाना। कैसे बारिश जब होता है तो कैसे आवाज़ होता है, सॉन्ग होता है, उसको सॉन्ग कहा गया है ना। तो बारिश का जो आवाज़ है वो वाटरी सॉन्ग है, स्प्लैशेज आउट। As each raindrop is joined by more and rushes to the ocean shore, और बहुत सारे raindrop आपस में मिल जाते हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बहुत सारे raindrop आपस में मिल जाते हैं और बूंद बूंद मिल करके वो बहुत
बड़ा बन जाता है और बहाव बन जाता है और वो बह करके रशेज मतलब बहुत तेजी से वो बहते हैं और बह करके समुद्र के किनारे ओशन शोर मतलब समुद्र के किनारे तक पहुंच जाते हैं या फिर लेक तक पहुंच जाते हैं, ब्रुक तक पहुंच जाते हैं, स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं, नदी नाले छोटे तालाब छोटी नदियां वहां तक पहुंच जाते हैं या तो फिर समुद्र के किनारे तक पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग वाटर बॉडीज तक पहुंचते हैं, है ना। ये जो ओशन है ये क्या है, एक वाटर बॉडी है। ये लेक क्या है, एक वाटर बॉडी है। ब्रुक स्ट्रीम ये सब वाटर बॉडीज है, इनमें वाटर पाए जाते हैं, इनको वाटर बॉडीज कहा गया है। क्वेश्चन आंसर में भी पूछा गया है वाटर बॉडीज, तो वाटर बॉडी ये लोग हैं, है ना। फ्रॉम विच इट राइजेज जस्ट लाइक स्ट्रीम, यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो पानी बारिश का पानी बह करके लेक में ओशन में ब्रुक में स्ट्रीम में चले जाते हैं और यहाँ पे वो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर यहाँ से वो राइज करते हैं, ऊपर उठते हैं। कैसे, भेपर बन करके ऊपर उठते हैं और फिर से आसमान में बादलों में चले जाते हैं। जस्ट लाइक स्टीम, स्टीम का मतलब होता है भेपर बनना, है ना। भेपर मतलब हिंदी में भाप बोलते हैं इसको, जब पानी बॉयल होता है तो कैसे उसमें से भेपर निकलता है। उसी तरह से वाटर बॉडीज में नदी में जब पानी रहता है, समुद्र में जब पानी रहता है और ऊपर से जब सूरज चमकता है और सूरज की गर्मी से हॉट वेदर के वजह से सूरज के गर्मी के वजह से ये पानी जो है वो इवापोरेट होकर के भेपर बन करके आसमान में चला जाता है और फिर आसमान में जाके कंडेंस होता है और फिर से बारिश गिरने लगता है। तो इस तरह से साइकिल चलता है। पोएट इस तरह से बताने का कोशिश किया कि हमारा वाटर साइकिल जो अर्थ में है वो इस तरह से है, है ना। बट व्हाइल इट्स डाउन हेयर व्हाट डू यू थिंक, जब पानी नीचे होता है धरती में होता है तब तुम क्या सोचते हो। सम डज गो टू द किचन सिंक, कुछ पानी किचन सिंक में भी से भी चला जाता है। ऐसा ही हम लोगों को लगता है ना, अभी लग रहा होगा कि बारिश का पानी जो है जब धरती पे आ गया है तो वो किचन सिंक में भी थोड़ा, सम डज गो टू द किचन सिंक ऑल्सो, तो किचन सिंक में भी गया होगा, है ना। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा है नहीं, लेकिन किचन सिंक में तो हम लोग पानी का यूज़ करते हैं, वो पानी किचन सिंक से जाता ही है। लेकिन पोएट ऐसा कह रहे हैं कि जो धरती का पानी है, जो आसमान से जो पानी बरसा और धरती में जो बह रहा है वो पानी भी किचन सिंक में गया होगा, है ना। तो ये चैप्टर, ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आइए आपको क्वेश्चन आंसर से भी मिलवा देते हैं। इसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा और एक सेपरेट वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर का और इस वीडियो में भी है। आप चाहें तो इसको कंटिन्यू कीजिए। अभी देखिए पहला क्वेश्चन है MCQ का, एज अ चाइल्ड द पोएट थॉट वाटर केम फ्रॉम किचन सिंक, वाटर स्टेज इन द स्काई इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, वाटर राइजेज फ्रॉम वाटर बॉडी जस्ट लाइक स्टीम। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को